काफी ज्यादा भारी है और मतलब ग्रिपिंग अच्छी है इसकी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज देखो हमारे पास 220 पल्सर है, मॉडल कोई भी है जिसकी डबल डिस्क है उसके अंदर दिक्कत आती है सबसे ज्यादा ये वाली कि कभी कभी बीच में गाड़ी बिल्कुल ब्रेक फेल हो जाते हैं। अभी मैंने इस गाड़ी की ट्राई ली है, जैसे ब्रेक ले रहे हैं ब्रेक मतलब लग नहीं रहे हैं इसके। मैं गाड़ी को इसके ऊपर चढ़ भी गया था लेकिन फिर भी गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक ले रही थी, प्रॉपर ब्रेक में काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में इसके अंदर क्या हुआ है इस वीडियो को देखें, शायद इस वीडियो से आपकी गाड़ी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। ठीक है, अब देखिए इसको आपको ठीक करने के लिए कुछ इस तरह से ये काम करना है। एक जो बैटरी पुरानी बैटरी आती थी एसिड वाली, उसकी पाइप लेनी है, ठीक है, ओवरफ्लो वाली, उस पाइप को आपने यहाँ लगाना है। इसके बाद इसके अंदर जितने नंबर का नेट है वो इससे इसको लूज करना है यहाँ से। तो इसको जैसे ही लूज करेंगे ना, मैं इसको लूज करता हूँ ऐसे करके। अब देखो जैसे मेरे को पता लग रहा है कि गाड़ी के अंदर दिक्कत कहाँ से है, इसके अंदर जो पाइप लाइन है, जो ब्रेक ऑयल का लाइन है, इसके अंदर बुलबुले आ गए, मतलब एयर इसके अंदर भरी हुई है। अब इस एयर को बाहर निकालने के लिए ये तरीका आप अपनाना है। सबसे पहले हमारा जो काम रहेगा यही रहेगा, आगे अगर फिर भी ठीक नहीं होती है तो आगे का तरीका आपको बताता हूँ। फिलहाल जो मैंने इसकी नब्ज पकड़ी है यही है, इसके अंदर बुलबुले आए हैं, एयर इकट्ठा हो गई है। तो और पंप जो है ना इसका जाम भी हो गया ऊपर, एयर है इसके अंदर, जैसे वो एयर पूरी हो जाएगी तो पंप का प्रेशर बन जाएगा और ब्रेक दोबारा काम करेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा लूज करेंगे। जैसे आप इसको लूज करेंगे अब यहाँ से ब्रेक ऑयल आना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार पैडल प्रेस करेंगे यहाँ से, यहाँ पे देखिएगा मैं प्रेस कर रहा हूँ पैडल, ये देखो, ठीक है। और आपने खास ध्यान रखना जो इसके अंदर ब्रेक ऑयल डाला जाता है वो .3 डाला जाएगा, क्योंकि थोड़ा पतला होता है वही तेल डालना है। ये मेरे को लग नहीं रहा है, इसके अंदर घना बहुत है, ज़्यादा घना हो गया ये, तो इसको थोड़ा ये मैं तो चाहता हूँ इसको चेंज करना चाहिए, ठीक है। ये देखो अभी जब जैसे मैं ब्रेक दबा रहा हूँ उसके बाद ये दोबारा पीछे को हट रहा है, मतलब इसके अंदर एयर भरी हुई है। अगर एयर नहीं होती तो ब्रेक ऑयल जो है आगे को बढ़ता, आहिस्ता आहिस्ता दोबारा वापस जा रहा है, एयर इसको खींच रही है पीछे को। कुछ इस तरह से आप पैडल को प्रेस करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता झटके मारेंगे। झटके मारने से क्या होगा, जो एयर बीच में फंसी है आहिस्ता आहिस्ता आगे आते रहेगी और यहाँ तक पहुँच जाएगी। और साथ में क्या करना है, इसका जो ब्रेक ऑयल का जो डिब्बा है ना वो भी चेक करना है, उसके अंदर ब्रेक ऑयल पूरा होना चाहिए, वो भी कम होता रहेगा उसको भरते रहें। अब ये जो ब्रेक ऑयल का डिब्बा सीट के नीचे है इसको मैंने खोला है, हम इसको चेक करेंगे ये कितना है। इसका लेबल भी चेक करते रहना, जैसे नीचे से तेल निकलेगा तो लेबल कम नहीं होना चाहिए, अगर कम हो गया हवा ले ली तो दोबारा से वही प्रोसेस रहेगी। ये देखो अभी ठीक है, हाँ ये ठीक है, देखिए दोस्तों अब जैसे मैं इसको प्रेस कर रहा हूं ना, अब तेल का लेवल देखो ऊपर चढ़ गया है, मतलब हवा निकल रही है। तो बस कंटिन्यू रहें, इसको कंटिन्यू करते रहें कुछ ऐसे। हाँ अब देखो मेरे को महसूस हो रहा है यहाँ पे कि प्रेशर बन गया है। मैं चाहता हूँ, मैंने क्या करना है ना, मैं इस ब्रेक वाल को निकाल ही दूंगा, मैं नया डालूंगा इसके अंदर पूरा, है ना। डॉट मेरे को डॉट हो रहा है ये ब्रेक वाल मिक्स है या पुराना हो गया, तो इसको देखो, ये देखो यहाँ से ये देखो लाल रंग का डालेंगे इसके अंदर। हाँ जी आ जाओ जी आ जाओ, क्या हाल चाल दोस्तों, हमारी डिलीवरी आ गई है। देखो क्या लाए हैं भैया आप, ये हमने अपनी गाड़ी के लिए कुछ एक क्लोथ मंगवाया था, शायद ये वाला होगा, ये कपड़ा है। अब इसको भी आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। और ये शायद वो कटर हैं जो टेप काटने वाले कटर हैं, वो मैंने मंगवाए थे, डिलीवरी हमारे पास पहुंच चुकी है ये। और पेमेंट ओके है? ओके है, ठीक है, धन्यवाद आपका। अब सारा तेल हम बाहर निकाल देंगे दोस्तों, ये बस दबा दबा के आपने हमें ये सारा तेल बाहर निकालना है, साथ में ऊपर भी नया तेल डालना स्टार्ट करेंगे। वो ऊपर कम हो गया है तेल, अब इसको यहाँ पे डालेंगे, अब ये तेल नीचे जाएगा पूरा और लाइन भर जाएगी, ठीक है, ये भर गया। अब दोबारा से तेल बाहर निकालेंगे रोने वाला, ठीक है। तो इसको मैं तेल को रिप्लेस कर देता हूँ उसके। अब दोस्तों देखो ऊपर भी हमारा नया तेल है और लाइन के अंदर, यहाँ से पता लग जाएगा आपको, जैसे लाल कलर आ गया ना, लाल कलर का डाला था यहाँ पे तो लाल आ गया, तो लाइन के अंदर अब बिल्कुल तेल ही है, कोई वो एयर नहीं है। और यहाँ से दबाने से भी महसूस हो रहा है
तो अब गाड़ी को दोस्तों हम नीचे उतार रहे हैं, अब इसकी ट्राई लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। दोस्तों हमने तो गाड़ी चेक कर लिया, भैया चेक कर रहे हैं गाड़ी को, तो ये कंफर्मेशन होना जरूरी है, ब्रेक काफी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे, हाँ तो ब्रेक आने दो अंदर आ जाओ। अब भैया से पूछेंगे ब्रेक कैसे काम कर रहे हैं। भैया ठीक है ब्रेक? ठीक है, हाँ हो गई ना ठीक अब? हाँ पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई ना? ठीक, हाँ बिल्कुल अच्छी हो गई ना। अब ये यही प्रॉब्लम थी इसकी, ब्रेक ऑयल के अंदर जो ना एयर आ गई थी बीच में। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।